hello everyone i hope you all are doing fine welcome to my channel my name is shweta sharma and today in this video we will be discussing about oral pathology that is a very important subject for third year so in this video we will be discussing about all these points first of all the whole syllabus of oral pathology then what are the standard books for the oral pathology you have to purchase and the syllabus is according to dci that means Dental Council of India. And third point, how would you frame the answers? So, this video is gonna be very important. Before starting the video, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get every notification. Now, let us start the video. So, what is the meaning of oral pathology? Oral that means the structures which are present in the oral cavity, and pathology that means diseases. डिसी अबाउट द डिजीजे ऑफ द ओरल टिश्यूज नाउ दिन इज अबाउट विच टिश्यूज अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने थे, राइट right? तो उसमें हमने बेसिकली क्या किया था जो हमारी ओरल कैविटी में टिश्यूज होते हैं उनकी स्टडी की थी हमने अब हमारी ओरल कैविटी में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं देखते हैं एक तो होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज और दूसरे होते हैं हार्ड टिश्यूज़ सॉफ्ट टिश्यूज में क्या क्या आते हैं हमारी ओरल म्यूकोजा एंड पल्प एंड पीडीएल पेरियोडोंटल लिगामेंट्स और हार्ड टिश्यूज़ में क्या क्या होते हैं जो हमारे टूथ के पार्ट होते हैं लाइक डेंटिन सीमेंटम इनेमल एंड बोन ऑल्सो सो इन औरल एनाटमेंट औरल हिस्टोलॉजी वि स्टडी अबाउट ऑल द टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी राइट तो इन सभी टिश्यूज़ में जब कोई पैथोलॉजी आती है जब कोई प्रॉब्लम आती है उसे हम पढ़ते हैं औरल पैथोलॉजी में तो अब हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं उससे पहले एक बार बुक्स की बात कर लेते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड बुक होते हैं वो होते हैं शेफर्स उसके अलावा एग्जाम से पहले अगर आपको थोड़ा इजी उसमें नोट्स वाइज पॉइंट वाइज दिया होता है दैट इज पुरकेट और शेफर्स तो आपको लेनी ही लेनी है ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है नीट पीजी के लिए भी प्रेपरेशन के टाइम पे आपकी ये काम आती है ओके सो नाउ लेट स्टार्ट द होल सिलेबस तो अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर में आपसे ओरल पैथोलॉजी के मैनुअल फाइल में डायग्राम बनवाए थे वो किससे रिलेटेड थे डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ टीथ यानी कि अगर टीथ में टीथ की स्ट्रक्चर्स में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो कैसे कैसे हो सकती है और उसे हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं रेडियोग्राफ के द्वारा तो यहाँ पे आपको टीथ की अलग अलग डेवलपमेंटल डिस्टरबेंसेस के बारे में पढ़ना होता है जैसे कि अगर टीथ की नॉर्मल स्ट्रक्चर से नॉर्मल साइज से ज़्यादा साइज हो गया तो उसे हम माइक्रोडोनशिया कहेंगे अगर नॉर्मल से कम है साइज तो हम उसे माइक्रोडोनशिया कहेंगे ऐसे ही बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उन पे फाइव फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए आपको इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे देखिए टीथ में कौन कौन से डेवलपमेंटल डिस्टरबेंसेस आपको करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज साइज यानी जो मैंने अभी आपको बताया माइक्रोडोश माइक्रोडोनशिया मै उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप यानी कि शेप में चेंज आना अब अगर प्रॉब्लम होने के बाद दांत का कई बार शेप कॉनिकल भी हो जाते हैं जिसे हम पैग लेटरल भी कहते हैं वो जनरली लेटरल इन में होती है उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर यानी कि हमारे जनरली थर्टी टू टीथ होते हैं अगर उससे ज्यादा हो गए तो हम कहते हैं सुपर न्यूमरिरी टीथ अगर एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है उसे हम कहते हैं एडोंशिया अगर कम प्रेजेंट है तो हम कहते हैं एनोडोन्शिया ऐसे ही इन सभी पे आपको फाइव फाइव मार्क्स का शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है ओके तो अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी कि अगर उनके साइज में प्रॉब्लम है तो उनकी क्लिनिकल के हिसाब से यानी कि पेशेंट जो हमारे क्लिनिक पे आता है उसके हिसाब से उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमें ये क्यों याद करनी चाहिए हमें ये क्यों पढ़नी चाहिए ओके उसके बाद हम पढ़ते हैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी यानी कि फोरेंसिक में ऑडोन्टोलॉजी का क्या यूज़ होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसिस ऑफ जो यानी कि जो हमारी जो बोन्स होती है एंड मैंडिबल उनका नॉर्मल साइज से अगर कम साइज हो उसे हम कहते हैं माइक्रोगिया अगर नॉर्मल से ज़्यादा साइज है तो हम उसे कहेंगे मैक्रोगनेथिया तो ऐसे ही इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेवलपमेंटल डिस्टरबेंसेस ऑफ ओरल एंड पैरा ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि जो पैरा ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं लाइक लिप्स हो गए हमारे पैलेट टंग जिंजाइवा माउथ एंड सेवरी ग्लैंड एंड फेस इन सभी में ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल फेज इन इंट्रा यूट्राइन फेज तब इनमें क्या क्या डिस्टर्बेंसेज आ सकती हैं लाइक like पैलेट में तो आपको पता ही होगा क्लेफ्ट पैलेट आते हैं तो ऐसे ही इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है और टंग में दो तीन टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं लाइक मीडियन रोमबोर्ड ग्लोसाइटिस ज्योग्राफिक टंग ये सभी आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं तो उस एस्पेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाउ द नेक्स्ट इज डेंटल कैरीज डेंटल कैरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइव या फिर सीधा टेन मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और स्पेशली इसकी डेफिनेशन आपको वर्ड बाई वर्ड याद होने चाहिए जो आप सेकेंड ईयर में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में आई होप कर चुके होंगे पर यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आपको वर्ड बाय वर्ड याद होने चाहिए उसके अलावा डेंटल कैरीज पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या क्या लिखना है आपको ये देखिए इटियोपैथोजेसिस के भाई रीजन क्या होता है उसके अलावा आपको थेरीज लिखनी होती है थे फॉर डेंटल कैरीज कि भाई डेंटल कैरीज क्यों होते हैं इसके लिए तीन चार थेरीज दी गई हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स डायग्नोसिस हिस्टोपैथोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इन सभी के अलावा डेंटल कैरीज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फाइव मार्क्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है जोन्स ऑफ डेंटल कैरीज इन डेंटीन एंड जोन्स ऑफ डेंटल कैरीज इन इनमल यानी कि हिस्टोलॉजी में यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर जब ऑब्जर्व करते हैं इनेमल एंड डेंटिन का कैरियस लीजन यानी जिसमें कैविटी हो रखी है वो वाला लीजन जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है तो हमें अलग अलग जोन्स दिखाई देते हैं उनके बारे में हमको इलेबोरेट करके लिखना होता है प्लस वाइवा में भी आपसे पूछे जाते हैं नाउ द नेक्स्ट इज पल्प एंड पेरी अपाइकल पैथोलॉजी एंड ओस्टियोमिलाइटिस पल्प एंड पेरी अपाइकल पल्प का मतलब तो जो पल्प के अंदर पैथोलॉजी है डिजीज है पेरी अपाइकल दैट मीन्स टूथ की जो रूट है रूट अपेक्स है उसके सराउंडिंग दैट मीन्स पेरी अपाइकल पैथोलॉजी एंड वट इज ओस्टियोमेलाइटिस ओस्टियो दैट मीन्स बोन मेलाइटिस दैट मीन्स इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो हमें यह बात तो पता है कि टूथ हमारे बोन के अंदर होते हैं तो पैरी अपाइकल इन्फेक्शन से फिर वो बोन में इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है फैलता जाता है दैट लीड्स टू ओस्टियोमेलाइटिस तो यहाँ पे हम ये सभी पढ़ेंगे जैसे कि ईटियोपैथोजेनेसिस कि भाई इनका रीज़न क्या होता है कैसे शुरू होते हैं कैसे ये इंक्रीज होते जाते हैं उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथ रेडियो फीचर ये सभी हमको इन सभी के बारे में पढ़ने होते हैं उसके बाद यहाँ पे सिक्वेली ऑफ पेरी एब्सेस, यानी कि पेरी अपाइकल एप्सस जब होता है उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्या क्या फर्दर डिजीजेज फैलती जाती हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारी टूथ स्ट्रक्चर सबसे पहले डेंटल कैरीज होती हैं उससे फिर आगे पल्पाइटिस होता है यानी कि पल्प का इन्फेक्शन वो फिर पेरियोडोनटल लिगामेंट्स को ख़राब करने लगता है जो हमारे रूट के सराउंडिंग होते हैं दैट लीड्स टू पेरियोडोनटाइटिस ओके फिर पेरियोडोन्टाइटिस से आगे क्या होगा इन्फेक्शन जो बोन है वो बोन में पेरी अपाइकल ग्रेन्योलोमा बना लेगा देन इट विल लीड टू पेरी अपाइकल एप्स एंड फर्द इट विल लीड टू ओस्टियोमेलाइटिस सो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू लर्न एंड इस पे फाइव मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि ये सभी स्टेप्स आपको बताने हैं सिक्वेली ऑफ ओस्टियोमेलाइटिस ओके okay? तो क्वेश्चन आता है हमारा पेरिडोनटल लिगामेंट की डिजीजेस के ऊपर तो इस में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरिडोनटाइटिस ऑफ कोर्स इसकी इटियोपैथोजेनेसिस माइक्रोबायोलॉजी क्लिनिकल फीचर हिस्टोलॉजी एंड रेडियो फीचर्स ये सभी आपको पढ़नी होती हैं अब क्वेश्चन आता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन के ऊपर कि भाई कौन कौन से माइक्रोबियल इन्फेक्शन कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं जिसमें सबसे पहला आ जाता है बैक्टीरियल ये सभी आपको करनी है विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्यूबर किलोसिस ए एन यू जी एन यू जी दैट मीन्स एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजवाइटिस एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जनरल सर्जरी ऑल्सो ओके एंड देन कैंक्रम ओरिस ये भी सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद आते हैं वायरल वायरल में हर्फे सिंप्लेक्स जोस्टर मीजल्स मम्स एंड एच आई फंगल में कैंडेडल इन्फेक्शन इस पर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है फर्दर आपको इस आपको इसके टाइप्स भी बताने होते हैं ओके okay? उसके बाद ये है एथसल्सर्स ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फाइव मार्क्स आस्पेक्ट तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉमन नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीजेस इन्फ्लामेशन इनमें नहीं है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रही है तो इनमें जनरल रीज़न क्या होता है ये बाई बर्थ होते हैं कंजेनाइटल जिसे आप कह सकते हैं तो जिसमें फाइव फाइव मार्क्स के लिए हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइब्रस डिस्प्लेजिया चेरूबिज्मस्टिओजेनेसिस इम्परफेक्टा पेजर्ट्स डिजीज क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया रिकेट्स एकॉन्ड्रो डिस्प्लेजिया मार्फन सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम ओके अब नेक्स्ट आता है डिजीजेज ऑफ टी एम जी यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इसमें आता है एनकाइलोसिस एनकाइलोसिस यानी कि जिसमें टीएमजे फ्यूज हो जाता है उसके बाद अर्थराइटिस एम पी डी एस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये तीनों एटलीस्ट आपको इसमें से पढ़ने हैं उसके बाद आता है हमारा नाइन्थ चैप्टर दैट इज सि ऑफ ओरल एंड और पैरा ओरल रीजन तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए अब क्लासिफिकेशन भी सबसे पहले तो होता है हमारा ट्रू सिस्ट देन स्यूडोसिस्ट ट्रूसिस्ट जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय एपिथेलियम एंड स्यूडोसिस्ट स्यूडो दैट मींस फॉल्स सो दीज आर दो सिस्ट विच आर नॉट कवर्ड बाय एपिथेलियम ओके तो ये है इन दोनों में डिफरेंस उसके बाद उसके बाद ट्रू सिस्ट का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ओडोंटोजेनिक नॉन ओडोंटोजेनिक ओडोंटोजेनिक के भी फर्दर टू क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें आते हैं एक तो डेवलपमेंटल और एक होता है इन्फ्लामेटरी तो ये पूरा क्लासिफिकेशन एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं अगर आपको चाहिए पर यह क्लासिफिकेशन आपको ज़रूर अच्छे से याद करना है ओके और वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल सिस्ट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंटल सिस्ट तो डेवलपमेंटल सिस्ट अगर पूछा जाएगा तो आपको केवल ये ये वाला पार्ट बताना है अगर इन्फ्लामेटरी पूछा जाता है तो केवल ये बताना होता है अगर ओडोंटो पूछा है तो ओडोंटोजेनिक सिस्ट का पूरे ये दोनों पार्ट्स बताने होंगे तो ऐसे आपको फ्रेम किए जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन और ऐसे आपको आंसर करना होता है तो यहाँ पे सभी सिस्ट के बारे में अगर कोई भी सिस्ट आए तो उसके बारे में आपको क्या क्या लिखना होता है अब ये देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है ओके सी ओ सिस्ट अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा राइट डाउन द डेफिनेशन एंड एटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ओके सी क्वेश्चन केवल इतना आएगा राइट द शॉर्ट नोट ए पार्ट ओके सी बी पार्ट कोई भी ट्यूमर कुछ भी दे देंगे तो आपको केवल एक ही टर्मिनोलॉजी दी जाती है उसके बेसिस पे आपको पूरा आंसर फ्रेम करना होता है ओके तो ओकेसी के बारे में आपको क्या क्या लिखना है वो देखिए तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है उसके बाद इटियोलॉजी यानी कि रीजन क्या है देन पैथोफिजियोलॉजी उसके बाद क्लिनिकल फीचर हिस्टोलॉजी रेडियोग्राफिक फीचर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं हम जनरली तो रेडियोग्राफ करते हैं या तो हम आईओ पी ए ले सकते हैं या फिर ओ पीजी ले सकते हैं देन ट्रीटमेंट एंड आफ्टर देन प्रोग्नोसिस ये सभी ये नौ बातें जो हैं ये हर एक क्वेश्चन में आपको लिख के ही आनी होती हैं या तो अगर मार्फन सिंड्रोम आ जाए उसके बारे में भी आपको ये सारी बातें लिख के आनी है सिफिलिस ट्यूबरक्यूलोसिस है इन सभी के बारे में आपको ये बातें जरूर लिख के आनी होती हैं ओके okay? और सिस्ट के केस में आपको एक और हेडिंग ऐड कर लेनी है सिस्ट के ल्यूमन के अंदर क्या मटेरियल होता है दैट इज हेडिंग बनेगी सिस्टिक मटेरियल अब सिस्टिक मटेरियल में सेमी लिक्विड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है तो वो मटेरियल उस मटेरियल का कलर क्या है कैल्सिफाइड है या फिर नॉन कैल्सिफाइड है ये सभी आपको बातें लिख के आनी होती हैं तो यहाँ पर हमारी बात हो गई है सिस्ट की अब नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट इज ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी अब ओरल कैविटी में किन किन के ट्यूमर्स हम पढ़ सकते हैं या तो ओडोंटोजेनिक ओरिजिन या फिर नॉन ओडोंटोजेनिक या फिर ग्लैंड ट्यूमर्स यानी कि ओडोंटोजेनिक डीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम टीथ एंड नॉन ओडोंटोजेनिक विच आर अदर देन टीथ यानी कि जिनमें आ जाती है हमारी म्यूकोजा फाइबर्स टंग जिंजाइवा ये सभी एंड अदर देन दीज टू विच आर सेलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स तो इन सभी में सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन ही याद करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक एंड सेलाइवरिक लैंड उसमें फिर आपको बेनाइन मेलिग्नेंट ये अलग अलग याद करने हैं एंड सेलाइवरिक लैंड के बेनाइन एंड मेलिग्नेंट अलग याद करने हैं ओके और इन सभी ट्यूमर्स के बारे में इन सभी ट्यूमर्स के बारे में जो मैंने आपको नाइन हेडिंग्स बताई हैं वो आपको लिख के आनी होती हैं अब इनके अलावा आपको ट्रोमेटिक रिएक्टिव एंड रिग्रेसिव लीजन ऑफ ओरल कैविटी दैट्स मीन्स ट्रोमा से क्या क्या हो सकता है लाइक पायोजेनिक सेल ग्रेनुलोमा एंड जॉन्ट सेल ग्रेनुलोमा उसके अलावा ट्रोमेटिक अल्सर ट्रोमेटिक न्यूरोमा एट्रीजन एब्रेजन इरोजन ब्रुक्सिजम ये सभी आपको टर्मिनोलॉजिज एंड फाइव मार्क्स के आस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा ड्राई सॉकेट पे भी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये भी आपको करना है फिर आता है नॉन नियोप्लास्टिक सेलाइवरी ग्लैंड डिजीजेस ऊपर हमने क्या किया था सेलाइवरी ग्लैंड्स के नियोप्लाज्म यानी कि ट्यूमर्स के थे। पर अगर ट्यूमर नहीं है उसके अलावा नॉन नियोप्लास्टिक डिजीज़ क्या क्या सेलाइव्रिग ग्लैंड में हो सकती हैं वो जैसे कि सियालोलिथियासिस सैलोसिस सेलोडीनाइटिस जीरोस्टोमिया एंड टाइलिज्म ये सभी आपको याद करने हैं। उसके बाद आता है थर्टींथ सिस्टमिक डिजीज़ेज़ इन्वॉल्विंग ओरल कैविटी ओरल कैविटी को इंक्लूड करके हमारी क्या क्या सिस्टमिक सिस्टमिक यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड होती हैं तो इसमें क्या क्या आ सकती हैं कॉमन ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया हो गया वोनविलेब्रेन डिजीजेस अलोंग विद दैट न्यूट्रिशनल ए विटामिन बी विटामिनोसिस देन हॉमोनल एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस ऑफ ओरल कैविटी तो ये सभी आपको सिस्टमिक डिजीजेस में करने हैं नाउ द नेक्स्ट इज म्यूको क्यूटे म्यूको लीजन कौन से होते हैं इनोरल कैविटी एज वेल एज ऑन स्किन ऑल्सो ओके इनमें क्या क्या हम पढ़ते हैं लाइकन प्लेनस ल्यूपस इटोस पैम्फिगस पैम्फिगोइ लीजन इरे मल्टीफोम सोरियासिस स्कलैरोडामा एक्टोडोमल डिस्प्लेसिया, एपिडर्मोलिसिस बुलोसा एंड वाइट स्पंज नीवस ये सभी आपको करने हैं इन म्यूकोक्यूटेनियस लीज नेक्स्ट इज डिजीज ऑफ नर्व ये आप मेडिसिन में एज वेल एज सर्जरी में भी पढ़ते हैं तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छे से कर लेना आपका तीनों सब्जेक्ट में काम चल जाएगा तो जिसमें फेशियल न्यूरोजिया एंड ट्राइजेमिनल न्यूरोजिया दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोजियाज उसके अलावा ग्लोसोफेरेंजियल एंड सेवन्थ नर्व पैरालिसिस

उसके बाद मैगजलरी साइनस sinus में साइनोसाइटिस सिस्ट साइनस में जो सिस्ट होते हैं वो एंड ट्यूमर इन्वॉल्विंग एंट्रम ये सब भी आपको करने हैं देन ओरल प्री कैंसर एंड कैंसर स्टेजेस यानी कि कैंसर से पहले की स्टेजेस अब देखिए अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है अब स्मोकिंग करते करते उसे मान लिया दो महीने हुए हैं तो दो महीने स्मोकिंग करने से डायरेक्ट कैंसर तो नहीं हो जाएगा अगर वो दो महीने से आठ महीने तक भी कर रहा है तो शुरू में क्या होता है जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनमें एबनॉमेलिटी आने लग जाती है उनके फंक्शंस में एबनॉर्मेलिटी आने लग जाती है ठीक है तो कैंसर से पहले की जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं प्री मेलिग्नेंट लीजन एंड प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो कैंसर से पहले जो प्री मेलिग्नेंट लीजन होते हैं उन पे अलग क्वेश्चन आता है एंड प्री मेलिग्नेंट कंडीशन जो होते हैं उन पे अलग क्वेश्चन आता है और उनके फिर फर्दर आपको नाम भी लिखने होते हैं कि भाई लीजन में क्या क्या आते हैं लोकोप्ले क्या हो गया इराइथ्रोप्ले ये सब और कंडीशन में ओ एस एम ऑफ हो गया ये सब भी आपको अलग से करने होते हैं तो और कैंसर में आपका टी एन एम क्लासिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टी एन एम क्लासिफिकेशन फाइव मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है प्लस आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है ये आपने पैथोलॉजी में भी किया होगा उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ पे बायोप्सी। बायोप्सी की डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फाइव मार्क्स अस्पेक्ट और ये आपको सीखना भी चाहिए क्योंकि अगर क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो आपको उनकी बायोप्सी करनी होती है बायोप्सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे देती हूँ फॉर एग्जांपल ल्यूकोप्लेकिया का आपके पास पेशेंट आया है तो ल्यूकोप्लेकिया इज बेसिकली अ प्लाक ऑफ वाइट कलर ए पैच कह सकते हैं आप पैच ऑफ व्हाइट कलर इन ओरल कैविटी तो उस पैच को आप देख के कैसे बताओगे कि भाई ये लूको प्लेकिया है या फिर लाइकन प्लेनस है या फिर कुछ और है तो उस टिश्यू को आपको थोड़ा सा कट कर लेना होता है और उसको लैब में भेजना होता है सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सीजन ऑफ दिस टिश्यू फ्रॉम द लीजन इज कॉल्ड एज बायोप्सी ओके बायोप्सी करके आप लीजन को आप टिश्यू को लैब में भेजते हो तो ये सब आप पढ़ते हैं उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बेसिक फोरेंसिक ऑडोंटोलॉजी इसमें हम फोरेंसिक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है डेफिनेशन एम्स एंड स्कोप और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बाइट मार्क्स के ऊपर ओके एंड एज एस्टिमेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों तो एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं बाइट मार्क्स की टाइप्स भी होते हैं वो भी करने हैं आपको ओके okay? और उनको पहचानेंगे कैसे उनका तरीका क्या होता है हमारा लेने का हम इम्प्रेशन ले सकते हैं फोटोग्राफ्स ले सकते हैं मेज़रमेंट कर सकते हैं ये सभी रुके पैटर्न अलग अलग होता है सभी का सभी के लिप प्रिंट्स जैसे हमारे थम प्रिंट्स होते हैं हर एक इंसान के अलग अलग थम प्रिंट्स होते हैं वैसे ही हर इंसान के लिप प्रिंट्स भी अलग